नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सकुशल होंगे, ठीक होंगे। लेकिन हमारा देश पिछले 3 दिनों में 3 आतंकवादी हमला झेल चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सबसे पहला घटना 9 जून को, जिस वक्त हमारे देश में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, उस वक्त हमारे देश पर हमला हो जाता है। जी, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थयात्रियों से भरी गाड़ी पर आतंकवादी हमला होता है, जिसमें लगभग 9 से 10 लोगों की जान चली जाती है और 15 से 20 लोग घायल हो जाते हैं। इस घटना के बारे में अधिक जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि जब शिवपुरी से तीर्थयात्रियों से भरी बस कटरा के लिए जा रही थी, उस वक्त 3 से 4 आतंकवादी हमला कर देते हैं, जिसमें ड्राइवर को सबसे पहले गोली लगती है और ड्राइवर गाड़ी से संतुलन खो बैठते हैं और जो गाड़ी है खाई में जाकर गिर जाती है, जिस वजह से मतलब अधिक नुकसान होता है यात्रियों को, जिसमें से 3 से 4 महिलाएं भी हैं, एक छोटी बच्ची भी है शामिल है। जी हाँ, और जो दूसरा घटना है कल शाम को कठुआ जिले में हुआ, जिसमें एक लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। हम आपको कठुआ जिले के घटना के बारे में बता दें कि कठुआ जिले में घटना से पहले एक आदमी वहाँ के जो स्थानीय जनता है आतंकवादियों को देखे हैं। जी हाँ, ऐसा उनका कहना है कि आतंकवादी उनसे पानी पिलाओ बोले, लेकिन वो देखे कि ये जो आदमी है कि हमारे एरिया के नहीं है, वो मुंह पे मास्क लगाया हुआ था, उनके हाथ में AK-47 था, जिस वजह से वो घबरा करके उल्टे पैर चले गए और वो वहाँ के स्थानीय लोगों को बताएं कि भाई आप लोग अंदर चले जाइए, आप लोग शटर गिराइए, यहाँ पर कुछ घटना होने वाला है। और सभी लोग तुरंत इस बात को समझते हैं और सभी को अंदर चले जाते हैं, जिस वजह से ये जो घटना है मतलब एक बड़ा घटना में तब्दील नहीं हो पाता है और आतंकवादियों के मंसूबे पर पानी फिर जाता है। लेकिन फिर भी आतंकवादी हमला शुरू कर देते हैं, एक घर पर हमला करते हैं जिसमें एक आदमी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। जी हाँ, और यहीं पर फिर एक घटना शाम को रात 11 बजे डोडो जिले में होता है, जिसमें एक CRPF के जवान भी घायल हो जाते हैं मुठभेड़ के दौरान और एक आतंकवादी ढेर हो जाते हैं। हम आप जब देखा तो दो लड़के घूम रहे थे 24-25 साल के, उनके काले कपड़े थे, ड्रेस पहनी थी, बैग था, राइफल थी AK-47। पहले मैंने AK-47 का ध्यान नहीं किया, तो जब मैंने ध्यान से देखा ऐसे करके AK-47 ऐसे साइड भी थी थोड़ी, तो मेरे को बोलते भाई इधर आ मेरी बात सुन। 2 मिनट का फासला पड़ा, लोग अंदर घुस गए, भागे, जब पता चला दुकानें बंद करवा दी, गाड़ी वाले बंद करवा दी जो इधर से जा रहे थे, मैं भाग आ गया, आगे भाग आया, फिर 2 मिनट बाद उन्होंने उधर फायरिंग शुरू कर दी। पहले राउंड किए कोई 4-5, फिर किए 4-5, कोई 20 मिनट किए उन्हें, मतलब 4-5 राउंड। ज़्यादा नुकसान सर, जैसे बच्चे खेल रहे थे, प्यासे थे, लोग भागते हो सकता देखते, वो फायरिंग करते कम से कम 15-20 लोग मारे जाते, बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। जी हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर कब तक हमारा देश इन आतंकवादियों का मार झेलता रहेगा। मतलब जिस वक्त हमारे देश में एक नए सरकार की गठन हो रही हो, शपथ ग्रहण समारोह चल रहा हो, उस वक्त हमारे देश पर हमला हो जाता है। पूछती है हमारे देश की जनता सरकार से और निवेदन करती है। जी हाँ, हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि प्लीज हमारे देश को इस आतंकवादी हमलों से फ्री कीजिए। अब हमारा देश आतंकवादी हमलों को नहीं झेलना चाहती है, बिल्कुल नहीं झेलना चाहती है, क्योंकि जहां पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, मॉडर्नाइज हो रही है, वहीं पर हमारा देश आतंकवादी हमला झेल रहे हैं, ये अब नहीं चलेगा। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं और तमाम जनता से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में देश को टेररिज्म फ्री करने के लिए कमेंट कीजिए, ताकि ये वीडियो जो है मतलब ऊपर तक जाए और सरकार कोई ठोस कदम उठाए और देश पूरी तरह से हमेशा के लिए टेररिज्म फ्री हो जाए। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है पिंटू सोनी और आप देख रहे हैं बावा एक्सप्रेस न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।